नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वालों का पुलिस ने निकाला जुलूस। दो दिन पहले चौरिया मोहल्ले में की थी हवाई फायरिंग, पहुंचे जेल। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर में दो दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के चौरिया मोहल्ले में दो युवकों द्वारा हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने घटना स्थल पर मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने छत्रसाल चौराहे से न्यायालय तक दोनों युवकों का जुलूस निकाला और न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने शहर के प्रत्येक चौराहे, बाजार परिसर सहित सार्वजनिक स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान दोनों युवकों के राजनगर बाईपास के पास उपस्थित होने की जानकारी मिली, जिसके आधार पर दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त टीवीएस मोटरसाइकिल एवं 315 बोर का अवैध कट्टा तथा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम अभी सिंह निवासी बसारी दरवाजा और अरविंद विश्वकर्मा निवासी चौरिया मोहल्ला बताए। आरोपियों ने बताया कि दहशत फैलाने की नीयत से उन्होंने फायरिंग की थी। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 336, 34 एवं आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और इसके बाद जेल भेज दिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सागर डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट।